दोस्तों कहते हैं कि लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप इस काम को किसी भी तरह से करने में सफल हो जाते हैं तो यह बहुत ही बड़ी बात होती है। और आज के इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही व्यक्ति की बात करेंगे जिसने अलग अलग तरह के किरदार निभाकर लोगों को खूब हंसाया है, और जहां एक तरफ उन्होंने दूसरों की जिंदगी में खुशियां बिखेरी वहीं अपने टैलेंट का भी खूब लोहा मनवाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुत्थी, रिंकू भाभी और डॉक्टर गुलाटी की तरह ही कई सारे पॉपुलर किरदार निभाकर लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके सुनील ग्रोवर की, जिन्होंने आज भारत और उसके आसपास के देशों में अपने लाजवाब कॉमेडी से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस बना लिए हैं। और अक्सर हम उनके फनी डायलॉग्स को टिकटॉक पर भी लोगों को बोलते हुए सुन सकते हैं। हालांकि दोस्तों, भले ही सुनील ग्रोवर अपने फील्ड में आज बुलंदियों पर राज कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इन्हें कोई भी नहीं जानता था, और अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने धीरे धीरे कैसे सफलता पाई आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए बिना आपका ज्यादा समय लिए हम सुनील ग्रोवर की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 3 अगस्त 1977 से, जब हरियाणा के सिरसा में मंडी डबवाली नाम की जगह पर सुनील ग्रोवर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जेएन ग्रोवर है, जो कि एक बैंक में बतौर मैनेजर काम किया करते थे। और उनके पिता बताते हैं कि सुनील ग्रोवर को बचपन से ही एक्टिंग और कॉमेडी का खूब शौक था, और उनका यह शौक उनके स्कूल के दिनों से ही स्टेज पर देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई आर्य विद्या मंदिर मंडी डबवाली से ही की, और फिर ग्रेजुएशन उन्होंने गुरु नानक कॉलेज हरियाणा से पूरा किया। और फिर सुनील ने अपने कॉमेडी और एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से थिएटर में मास्टर की डिग्री ली, और फिर अक्सर अपने चुलबुले बातों से लोगों को हंसाने वाले सुनील ग्रोवर के ऊपर ध्यान गया जसपाल भट्टी का, जो कि उस समय के एक जाने माने टेलीविजन एक्टर थे। और फिर उन्होंने सुनील के टैलेंट को पहचानते हुए उन्हें डीडी नेशनल पर फुल टेंशन नाम के एक शो में काम दिलवा दिया, और फिर इस शो के जरिए जो भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर सुनील ग्रोवर को मिला उससे उन्हें जी पंजाबी पर प्रसारित किए जाने वाले शो प्रोफेसर मनी प्लांट में काम करने का मौका मिल गया। और फिर इसी तरह उन्हें आगे भी लोग कर लो बात, क्या आप पांचवी फेल चंपू हैं, चला लल्लन हीरो बनने, गुटुरगु और कॉमेडी सर्कस की तरह ही कई सारे टेलीविजन शोज में काम करने का मौका मिलता रहा। और लगातार ऑडियंस को भी सुनील ग्रोवर की एक्टिंग और मिमिक्री खूब पसंद आई। इसके अलावा सब टीवी पर आने वाले इंडिया के पहले साइलेंट कॉमेडी शो गुटुरगु में भी उन्होंने अपनी शानदार काम से लोगों का दिल जीता। इसके अलावा वह कई सारे फिल्मों में जैसे कि प्यार तो होना ही था, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और गजनी में भी छोटे मोटे रोल निभाते हुए नजर आ चुके थे। लेकिन यह सभी काम सुनील को अभी तक वह पहचान नहीं दिला सकी थी जिसके वह सच में हकदार थे। लेकिन सुनील ने भी हार न मानते हुए एक बड़ा सपना अपने मन में संजोए मेहनत करते रहे, और फिर 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो में शानदार काम करने के बाद से सुनील ग्रोवर को आखिरकार वह पहचान मिली जिसके वो हकदार थे। इस शो में उन्होंने गुत्थी और कपिल के ससुर की तरह ही कई सारे किरदार को बखूबी निभाया, और फिर उनके साथ साथ पूरी टीम की मेहनत की वजह से यह शो 2016 तक चला। और फिर उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए उन्हें 2015 में गब्बर इज बैक मूवी में भी एक अच्छा खासा किरदार मिल चुका था। और फिर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के बंद हो जाने के बाद से वह द कपिल शर्मा शो में डॉक्टर गुलाटी और रिंकू भाभी जैसे किरदार में नजर आए, और यहाँ पर तो उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उनके फैन फॉलोइंग्स में 4 चांद लग गए, और अब लगभग सभी कॉमेडी लवर्स उन्हें पहचानने लगे थे। हालांकि इसी बीच शो के होस्ट कपिल के साथ एक विवाद के चलते सुनील ने द कपिल शर्मा शो को छोड़ने का फैसला कर लिया। दरअसल यह विवाद ऑस्ट्रेलिया से एक शो करके वापस लौटते समय हुई थी, जब प्लेन में ही शराब पीकर कपिल शर्मा ने सुनील के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, और इसीलिए सुनील ग्रोवर ने शो को अलविदा कहना ही ज्यादा सही समझा। हालांकि इस शो को छोड़ने के बाद भी सुनील ग्रोवर इंडियन आइडल 9, सबसे बड़ा कलाकार, सुपर नाइट विथ ट्यूबलाइट और 10 का दम जैसे कई सारे शोज में नजर आ चुके हैं, और फिलहाल वह सलमान खान के साथ भारत मूवी की शूटिंग में बिजी है। वहीं अगर सुनील ग्रोवर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम आरती है, जो कि एक फैशन डिजाइनर है, और आरती से उन्हें एक लड़का भी है। तो दोस्तों, यह थी कहानी अपने कॉमेडी से सबको लोटपोट कर देने वाले सुनील ग्रोवर की। उम्मीद करते हैं कि यह आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।